वेलकम टू गणित गुरु जी। गणित गुरु जी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं थ्योरम 6.6 क्लास 10th के बारे में। इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 6.1 से 6.5 तक का थ्योरम कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग पहले जाके उन वीडियो लेक्चर को अटेंड जरूर करें, तब जाके इस वीडियो लेक्चर पर आएँ ताकि आपको वो सारे वीडियो लेक्चर भी अच्छे से समझ में आए, साथ ही साथ ये वीडियो लेक्चर भी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं 6.6 थ्योरम क्लास 10th। देखिए स्टूडेंट, दिया हुआ है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। मतलब कह रहा है कि दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, उनका एरिया उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड के किसके स्क्वायर के बराबर होता है, इक्वल होता है। ठीक है, दो सिमिलर ट्रायंगल बना दीजिए, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल छोटा, एक ट्रायंगल बड़ा हमने बना दिया। इसका नामकरण भी कर देते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी, इसका नाम डी ई और एफ। देखिए हो गया, सबसे पहले हमको लिखना क्या है, गिवन। ठीक है, गिवन में क्या है, ये दो ट्रायंगल हैं और ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। मैथमेटिकल टर्म लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। बात इतनी सी समझ में आती है, ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ के। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, इनका रेशियो बोला है ना, द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। रेशियो ए बी बट्टा डी ई, ए बी बट्टा डी ई इनका स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल टू ए सी बट्टा डी एफ, ए सी बट्टा डी एफ स्क्वायर और बी सी बट्टा ई एफ, बी सी बट्टा ई एफ इसका भी क्या स्क्वायर। मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो। ठीक है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं, हम लोग बना लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या बनाएंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ए बी सी डी नहीं हो सकता है ना जी, इसका क्या नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं एम और इसका नाम क्या देते हैं, यहाँ नाम देते हैं एन। दो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एक एंगल बना देंगे, यानी कि ड्राओ ए एम परपेंडिकुलर बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर ई एफ। ठीक है, देखो कितना सिंपल तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रूफ क्या है, प्रूफ सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल में देखते हैं कि कैसे क्या हम लोग कर सकते हैं। तो हमको पता चला कि जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल किसके, DEF के। और जैसे ही सिमिलर है, सिमिलरिटी का हम लोग कंडीशन अप्लाई कर देंगे, वो कंडीशन फुलफिल हो रहा होगा ना, इक्विएंगुलर होगा, A बराबर एंगल D, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ होगा। साथ ही साथ एक और चीज होगा, क्या होगा, देखिए ए बी बाई डी ई इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। ठीक है, इसको एक नंबर इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है,
अच्छा हम लोगों ने ये परपेंडिकुलर डाला है ना, परपेंडिकुलर डाला है, यानी कि एरिया की बात हो रही है और एरिया की बात हो रही है और हमने इसमें परपेंडिकुलर डाला है, परपेंडिकुलर डाला है, परपेंडिकुलर डाला है, यानी कि एक बात पता चलती है, पता क्या चलती है कि इस परपेंडिकुलर का इस्तेमाल करके हम लोग ट्रायंगल के एरिया फाउंड कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, और हाइट परपेंडिकुलर को ही बोलते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं एरिया ऑफ, यहाँ पे एक बार लिख ही देते हैं, एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ऑफ बी इंटू एच, आप पूरा भी लिख सकते हैं बेस इंटू हाइट, इसलिए क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ ऑफ बेस, पूरा बेस बी सी मल्टीप्लाई ए एम, ए एम और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए बी सी डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ हाफ ऑफ बेस ई एफ इंटू परपेंडिकुलर डी एन, डी एन है ना भाई। एक चीज पता चली और पता ये चली कि बात कर रहा है रेशियो के बारे में, किसके बारे में, रेशियो के बारे में, तो क्यों ना इसका रेशियो निकाल के देखें, रेशियो निकाल के देखते हैं इन दोनों का रेशियो, एरिया का रेशियो। देखिए अगर हम लोग इसका रेशियो निकालें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बट्टा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी ए एम हाफ ऑफ ई एफ और डी एन, यही ना होने वाला है, जैसे ही ये होने वाला है, बताओ हाफ से हाफ कटेगा कि नहीं कटेगा, हाफ से हाफ कट गया, यानी कि ये चीज़ मुझे मिल गई, क्या मिल गई कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बट्टा है एरिया ऑफ डी ई एफ, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, बी सी इंटू ए एम बटा में ई एफ इंटू डी एन, समीकरण इक्वेशन नंबर दो, समीकरण नंबर दो या इक्वेशन नंबर दो, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, इतना नोट करेंगे फिर हम लोग इसके आगे स्टूडेंट। इक्वेशन नंबर एक और इक्वेशन नंबर दो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, आपको इतना दूर नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड छोटा है और बार बार मिटाना पड़ता है, इसलिए मैंने इसको लिखा है, आप इसको मत लिखिएगा, आप लोग जितना मैंने यहाँ तक कराया था ना इतना नोट कीजिएगा, इसके आगे ये छोड़ के फिर अब नोट करना शुरू कीजिए। चलिए हमने इतना निकाला लेकिन इससे कोई बात नहीं बनी, कहीं स्क्वायर का जिक्र नहीं हो रहा है, तो अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग दोनों में से कि कोई सा भी ट्रायंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, दो ट्रायंगल बने हुए हैं लेफ्ट साइड में, हम लोग इन दोनों के पहले वाले ट्रायंगल का इस्तेमाल कर लेते हैं, इस तरफ वाले ट्रायंगल का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं किसी भी तरह का। इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल डी ई एन, इन दो ट्रायंगल्स की बात करते हैं, एंगल बी इक्वल टू होता है एंगल ई के, एंगल बी इक्वल टू होता है एंगल ई के, ये तो गिवन में ही दिया हुआ था, क्योंकि ये ट्रायंगल क्या है, दोनों आपस में बड़े बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं, सिमिलर होते ही इक्वी एंगुलर हो जाएंगे, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है, और बी ई आपस में बराबर होंगे और सी और एफ भी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो बी बराबर हो जाएगा किसके, बी बराबर हो जाएगा ई के, ये गिवन में दिया हुआ है। और बताओ यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, अरे भाई मिल गया, एम इक्वल टू हो जाएगा एंगल एन के, यानी कि ये कहाँ से आया है, ये कंस्ट्रक्शन से आया है ना, कंस्ट्रक्शन से आया है, या हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं 90 डिग्री, तो भाई ए ए सिमिलरिटी, अब इससे क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एन के, जैसे ही ए बी एम और डी ई एन सिमिलर हो जाते हैं, यहाँ पे एक नंबर से ट्रायंगल, यहाँ पे दो नंबर ट्रायंगल, एक नंबर और दो नंबर ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, तो सिमिलरिटी का कंडीशन क्या होगा,
सिमिलरिटी का कंडीशन क्या होगा कि इनके साइड का रेशियो भी आपस में बराबर हो जाएगा या प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमको पता चल गया कि ए बी बट्टा डी ई बराबर हो जाएगा ए एम बट्टा डी एन, ए एम बट्टा डी एन बराबर हो जाएगा इसके बी एम बट्टा ई एन, बी एम बट्टा ई एन, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बताइए, एक चीज़ बताइए, इसको हम लोग इक्वेशन तीन मान लें, इक्वेशन तीन मान लें, तो क्या ए बी बट्टा डी ई को, ए बी बट्टा डी ई को कुछ और कहते हैं क्या, ए बी बट्टा डी ई को कुछ और कहते हैं क्या, ए बी बट्टा डी ई को बी सी बट्टा ई एफ भी तो कह सकते हैं, बी सी बट्टा ई एफ भी कह सकते हैं, सॉरी ए बी बट्टा डी ई, डी ई ए बी बट्टा डी ई को हम लोग क्या कह सकते हैं, बी सी बट्टा ई एफ भी कह सकते हैं, ए सी बट्टा डी एफ भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए बी बट्टा डी ई को ए एम बट्टा डी एन और बी एम बट्टा डी एन हम लोग कह रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है। तो हम लोग कह सकते हैं बट, बट बट क्या है भाई, देखो ए बी बट्टा डी ई, यहाँ पे देखो, अच्छा ये बी सी मैंने इस्तेमाल करा, बी सी बाई ई एफ इसी को इस्तेमाल करते हैं, ए बी बट्टा डी इक्वल टू कितना है, बी सी बाई ई एफ, कहाँ से, तो फ्रॉम वन, फ्रॉम वन, एक नंबर से हमको यहाँ पे आया है, एक नंबर इक्वेशन से बी सी बाई ई एफ, क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आती है। अच्छा ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी इजकल टू बी सी बाई ई एफ, लेकिन ए बी बाई डी इजकल टू ए एम बाई डी एन, हाँ जी ये तो गड़बड़ हो गया, यानी गड़बड़ हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, तीन तथा दो से हमको पता चल जाता है, लिख के चलते हैं तीन और दो से, फ्रॉम तीन और दो से, तीन और दो से, फ्रॉम तीन एंड दो, इक्वेशन दो और इक्वेशन तीन से हम लोग क्या करते हैं कि एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल डीईएफ बीसी बट्टा ईएफ। अब बीसी बट्टा ईएफ हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं भाई, बीसी बट्टा ईएफ, बीसी बट्टा ईएफ ये तो कुछ भी क्या लिखेंगे, ये तो दिया ही हुआ है, इतना भाई दिया हुआ है, इतनी बात समझ में आती है। ए एम बट्टा डी एन, ए एम बट्टा डी एन, अरे कहीं कहीं आ रहा है ए एम बट्टा डी एन, ए एम बट्टा डी एन के जगह पे क्या मैं, अरे ये तो हो सकता है क्या, ए बी बट्टा डी हो सकता है, लेकिन ए बी बट्टा डी तो ये बी सी बट्टा ई एफ है एक नंबर से, तो क्या ए बी बट्टा डी जब बी सी बट्टा ई एफ लिख सकते हैं, बोलिए, तो बोलिएगा कि लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे बी सी बट्टा फिर से ई एफ लिख देते हैं, जो कि हो जाता है बी सी का स्क्वायर बट्टा ई एफ का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बट्टा ई एफ का स्क्वायर। देखिए ये लास्ट वाला प्रूव हो गया, लास्ट वाला प्रूव हो गया। अब यहाँ पे एक बात आती है, यहाँ पे एक बात आती है, क्या सिर्फ ऐसे ही प्रूफ हो सकता था, क्या सिर्फ ऐसे ही प्रूफ हो सकता था, और भी तरीके हैं, ये वाला एक ट्रायंगल ले लेते हैं तो फिर अलग प्रूफ हो जाता, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं तो अलग प्रूफ हो जाता, ठीक है। और जिस जिस प्रकार से हम लोग अलग अलग तरीके से इन ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर करते जाएंगे, ये सब आपस में सिमिलर होते चले जाएंगे, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से हम लोग इतना प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पर लिखेंगे सिमिलरली, मतलब इसी प्रकार से कि ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ इक्वल टू हो जाएगा एबी का स्क्वायर डीई का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर बटा डी एफ का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर बटा
ईएफ का स्क्वायर प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, एक बार इसको देख लीजिए, फिर इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो स्टूडेंट आशा करते हैं कि आपको यह थ्योरम 6.6 पसंद आया होगा। अगर आपको यह समझ में आया है तो इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको बेनिफिट हुआ है तो अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको शेयर जरूर से जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।